दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, बताओ लास्ट लेक्चर कहाँ तक हो रहा था? हेलो, यस सर। सर वर्क कैलकुलेशन में क्या वर्क कैलकुलेशन? कौन सा टॉपिक बता रहे थे, बताओ जल्दी से। हाँ सर वर्क बताए थे। अरे वर्क में क्या बताए थे? वर्क कैलकुलेशन कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे सर पिछले क्लास में, लास्ट टॉपिक। न्यूमेरिकल्स करवा रहे थे। चलो ठीक है, तो उसमें वर्क निकालने का तुम लोग को फॉर्मूला बताए थे। जनरली हम लोग वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में। तो वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म में क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और वॉल्यूम को इंटीग्रेट किया जाएगा V1 से V2। ठीक है, ये था ना? या फिर इसको जनरली ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू, ये एक्चुअली डीवी का इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या? चेंज इन वॉल्यूम ही तो है, तो डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल करवा रहे थे, उसमें साइक्लिक प्रोसेस वाला क्वेश्चन सब कराए थे ना कुछ कुछ, जिसमें बताए थे कि क्लॉकवाइज में अगर वर्क हो रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव एज्यूम करना है, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेना है। बताए थे ना? यस सर। चलो, तो अब यहाँ देखो, जैसे कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर तुमको वर्क डन निकालना है, लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस भी किए थे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर तुमको वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो इस केस में डेल्टा वी का वैल्यू, डेल्टा वी 0 हो जाएगा। तो अगर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो गया, बताओ, बोलो। यस सर। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हमेशा क्या होगा? 0, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम चेंज के कारण ही बात कर रहे हैं वर्क डन का, तो वॉल्यूम 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग? तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस पी इंटू डेल्टा वी यूज कर लोगे, चेंज इन वॉल्यूम, और ये पी एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ये तो आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे हम लोग वर्क डन निकालते हैं, ये फाइंड आउट करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग दो टाइप का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, एक इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, बताओ। यस सर किए थे। तो उसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस में तुमको बताए थे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होगा, बताओ। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर वर्क डन हमको निकालना है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वर्क डन का वही फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, V1 से V2 इंटीग्रेट कर दोगे, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस
पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है, सेम यही फॉर्मूला यूज करना है. अगर वो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में यही चीज हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वहां पे कांस्टेंट रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जैसे दे रहा है, दिया हुआ है एट 27 डिग्री सेल्सियस ए गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 liter टू 5 liter अगेंस्ट 2 atm कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है, इसमें निकालना है वर्क डन कितना होगा, वर्क डन फाइंड आउट करना है. बताओ तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे एट 27 डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया. तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया. टेम्परेचर फिक्स है मतलब कौन सा प्रोसेस है ये, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो कौन सा प्रोसेस हो गया ये, आइसोथर्मल. और यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में मतलब ये कौन सा आइसोथर्मल होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल. कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया. तो ये एक्चुअली कौन सा प्रोसेस दिया गया हमको, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस दिया गया. अब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल. तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 2 atm और इनटू डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम. तो फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम करते हैं हम लोग, तो एक्सपैंड किया जा रहा है यहाँ पे, तो 1 से 5 liter. तो फाइनल 5 liter है और इनिशियल 1 liter है. तो ये कितना हो गया देखो, माइनस 2 atm इंटू 5 - 1 ये 4 liter. तो माइनस 8 liter एटीएम. अब देखो यहाँ पे एक्चुअली माइनस साइन आ रहा है क्योंकि एक्सपेंशन वर्क है, एक्सपेंड किया जा रहा है गैस को. तो तुम लोग को लास्ट क्लास में साइन कन्वेंशन में भी बताए थे, जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा होता है तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, जब साइन कन्वेंशन बता रहे थे. बताओ देखो, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन का साइन कन्वेंशन क्या आ रहा था, पॉजिटिव या नेगेटिव. बताओ लास्ट क्लास में बताए, हेलो सर, नेगेटिव. नेगेटिव तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम्हारा वर्क डन देख रहे हो ना, -8 liter एटीएम, मतलब ये माइनस साइन आ गया है तो नेगेटिव. तो नेगेटिव वही सिग्निफाई कर रहा है कि ये एक्सपेंशन वर्क है. अगर ये कंप्रेशन होता तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव आ जाता. अब ये लीटर एटीएम में अगर जूल में पूछा जाए तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन क्या यूज करते हैं हम लोग, 1 atm लीटर इज इक्वल टू 101.3 joule. आए थे ना ये, तो ये कन्वर्जन यूज कर लोगे और इसको तुम जूल में कन्वर्ट कर लोगे. ठीक है, कोई दिक्कत.
आवाज आ रहा है? यस सर। रुको एक मिनट। रिसी होस्ट सेफ्ट करो तुम। चलो वो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक दिक्कत है। चलो तो वो था पहला, हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस देख रहे थे वर्कडन निकालने के लिए, इररिवर्सिबल आइसोथर्मल। नेक्स्ट हम लोग वर्कडन कैलकुलेट करेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो लास्ट क्लास में जब रिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस किए थे, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये बताए थे करने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है और इनफाइनाइट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है कि हर एक स्टेप के बाद प्रेशर जो हो रहा होता है वो चेंज होता है, और वो ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम पे होता है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब क्या? कॉन्स्टेंट हो गया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया। टेम्परेचर क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ नेचर कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का, ग्राफ का कर्व का नेचर कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ का प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स लेके, तो इस टाइप का ये कर्व बनता है। तो यहाँ पे देखना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी जब यूज करेंगे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन, तो एन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे फिक्स रखते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो प्रेशर क्या होगा? ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब इसमें हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या होगा? तो वर्क डन देखो, जैसे वर्क डन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे हम लोग, माइनस पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर और डीवी, ठीक है। और इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हमको V1 से V2। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है लेकिन प्रेशर भी हर एक स्टेप पे चेंज हो रहा है। बात समझ रहे हो? ये कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रेशर कांस्टेंट होगा क्या? प्रेशर कांस्टेंट होगा या नहीं होगा बताओ? हेलो 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 यस सर। रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, या चेंज होगा प्रेशर हर एक स्टेप पे? रेस्पॉन्ड करो जो पूछ रहा है। सर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। कितनी बार बोल चुके हैं रिवर्सिबल आइसो स्टेप पे चेंज होगा। इररिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना,
रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक स्टेप पे प्रेशर चेंज हो रहा होता है और हर एक स्टेप पे एक नया इक्विलिब्रियम बनता है, तो इसमें प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो So you're not audible. हेलो, आवाज आ रहा है क्या अभी? यस सर। यस सर। बोल रहे हैं 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताओ कोई भी। बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, 1/x dx का क्या होगा इंटीग्रेशन? अरे आता है या नहीं? हाँ या नहीं बताओ। रेसी होस्ट सेट करो फिर से। स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है सर। हम पूछ रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/v dv का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? जैसे ये पढ़े होगे ना 1/x dx का इंटीग्रेशन, ये किसके इक्वल होता है? log x plus c ln x होता है, यही होता है ना? ln x plus c, यहाँ पे c कांस्टेंट होता है जब इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे होते हैं। यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन है क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं, तो ये c नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो ln x होता है यहाँ पे, तो अब ये ln है, log टू द बेस e है, तो उसी तरह 1/v dv का इंटीग्रेशन करोगे, 1/v और यहाँ पे dv है, तो इसका इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? ln v plus c। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तब कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इसी तरह देखो ये आ गया -nRT और 1/v dv की जगह ये इंटीग्रेट किए तो ये आ गया ln v और लिमिट पुट करना है हमको v1 से v2। तब यहाँ देखो जब लिमिट पुट करते हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा? nRT और ये ln
v2 minus ln v1. So that is equal to work done is equal to minus n r t ln v2 by v1. तो ये आ गया वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. तो इसमें देखोगे बहुत जगह लॉग के टर्म में अगर लिखना है तो ये, क्योंकि ये एलएन के टर्म है, लॉग के टर्म में क्या आ जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो माइनस 2.303 एन आर टी और ये लॉग, अब बेस 10 हो गया यहाँ पे, लॉग जब लिख दिए बेस 10 लॉग वी टू बाय वी वन. तो ये आ गया हमारा लॉग के टर्म में वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. एक और होता है, ये तो वॉल्यूम के टर्म में हम लोग किए हैं, प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो इसका मतलब ये लिखा जा सकता है P1V1 is equal to P2V2, ठीक है. तो यहाँ से देखो V2 by V1 के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, V2 by V1 वॉल्यूम के का जो रेशियो लेंगे प्रेशर के टर्म में वो रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, V2 by V1 is equal to P1 by P2 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो V2 by V1 है वहाँ पे जब प्रेशर के टर्म में हम लोग पुट करेंगे तो वो P1 by P2 हो जाएगा. फॉर्मूला ध्यान रखना, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी, प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा प्रेशर के टर्म में लॉग P1 by P2. तो इनिशियल प्रेशर जो होगा वो ऊपर आएगा और फाइनल प्रेशर जो है वो नीचे आएगा, लेकिन वॉल्यूम के टर्म में इनिशियल वाला नीचे और फाइनल वाला ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया. हेलो. Yes, sir. लिख लो पहले इसको, लिखो और नीचे करें, यहाँ तक लिख लियो पहले, ये हो गया सर, रुक जाइए. लिखो जल्दी से. Yes, sir. चलो यहाँ से लिख लो. हो गया. यस सर, हो गया. सब लोग लिख लिया इसको, बोलो जल्दी जल्दी. चलो तो लिख लियो. तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे फॉर्मूले पे है. 2 moles ऑफ ए गैस आर expanded reversibly from 10 liter to 20 liter at 27 degree Celsius. Calculate the work done. Question दिख रहा है ना? Yes, sir. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से. अब
क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कौन सा प्रोसेस है या नहीं है, तुमको क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से समझना है कि कौन सा प्रोसेस है और कौन सा वर्क डन का फॉर्मूला यूज करना है हमको, डिसाइड करना है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, समझ आ जाएगा। कौन सा प्रोसेस है ये बताओ तो, कौन सा प्रोसेस है? हेलो आइसोथर्मल है सर। आइसोथर्मल बोलने से, आइसोथर्मल में दो टाइप, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बताओ वर्क डन। बोलो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सर? माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वीएफ बाय वी1। 2.303 एनआरटी लॉग वी2 बाय वी1। चलो यहां पे बताते जाना तुम लोग। माइनस 2.303 एन नंबर ऑफ मोल्स है, एन कितना दिया हुआ है 2। आर का क्या वैल्यू लेना है? आर क्या लोगे बताओ? आर सुने हो कभी? आर क्या होता है? हेलो, अरे आर का कौन सा वैल्यू यूज करोगे? कोई रेस्पॉन्स में? अरे बताओ यार, कोई भी पता है हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर? आ रहा। आर का वैल्यू क्या लेना है? किसी को आता है? अरे हाँ या नहीं बताओ ना जल्दी से। तो बोल क्यों नहीं रहे उतने देर से? यहाँ पर जूल के टर्म में, वर्क डन जूल के टर्म में आएगा ना, तो आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया 8.314 यूनिट होता है जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर क्या लोगे? हमेशा केल्विन में पुट करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे। 27 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन हो जाएगा बताओ तो? 300 केल्विन। ये 300 केल्विन इनटू लॉग V2 बाय V1, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 20 लीटर और इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर, तो 20/10, तो 20/10 करोगे log 2 हो जाएगा। तो log 2 का वैल्यू कितना होता है, कोई बता सकते हो? सर 0.3।
0.301, ठीक है, आयोनिक में ये सारा चीज कर चुके हो, तो लॉग टू यूज कर लोगे 0.3, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। बस इसी को सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आएगा आंसर तुम्हारा वो जूल में आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक्स आया, जो भी मल्टीप्लाई कर लेना सब सारे को, आंसर आ जाएगा 3.46, जो भी आया कर लो, कर लोगे ना। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुमको प्रोसेस आइडेंटिफाई करना होगा, जितने सारे प्रोसेस बताए ऊपर, आइसोकोरिक प्रोसेस है या आइसोबारिक प्रोसेस है या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसमें कौन सा टाइप है, रिवर्सिबल टाइप है, इरिवर्सिबल टाइप है, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला अलग अलग आ गया। इरिवर्सिबल में हम लोग सिंपली -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी यूज किए थे, लेकिन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में अलग फॉर्मूला आ गया। तो क्वेश्चन पढ़ के तुमको डिसाइड करना है वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल प्रोसेस है, या नहीं भी दिया हुआ है तो आइडेंटिफाई करने के लिए बताए थे, जैसे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में ही एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वो मेंशन किया हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ये नहीं दिया रहेगा कि कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, वो तुमको क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो सारे में हम लोग फॉर्मूला देख लिए हैं, हर एक स्टेप का, हर एक प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालना है, बस उसको अप्लाई कैसे करना है वो तुम लोग को डिसाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के उसको डिसाइड करोगे। अब इसमें देखोगे कि एक टर्म आता है, एक जगह पे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, एक टर्म क्या, एक टाइप का क्वेश्चन बनता है फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुमको कहीं, फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में किसी जगह कि किसी भी आइडियल गैस को फ्रीली एक्सपेंड किया जा रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड Against zero external pressure, ठीक है। यहाँ पे external pressure जो होगा ना zero होगा और वो constant होगा throughout the process, वो external pressure zero ही रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं free expansion, the process is called free expansion। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो हो गया तो इस केस में वर्क डन क्या रहेगा, जीरो हो गया, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल ही जीरो हो गया, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हमेशा वर्क डन जीरो ही रहेगा, ठीक है। एक और चीज है कि ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन द आइडियल गैस डू नॉट लूज एनी एनर्जी, एनर्जी का भी कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है, द आइडियल गैस डू नॉट लूज एनी एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी का अगर लॉस नहीं हो रहा है और वर्क डन भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है वो आइडियल गैस का कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना, टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्री एक्सपेंशन के समय आइडियल गैस कोई एनर्जी भी लूज नहीं कर रहा है, वर्क डन तो जीरो है ही और एनर्जी भी लूज नहीं कर रहा, मतलब क्यू का वैल्यू भी जीरो है, ठीक है। तो ये दोनों अगर जीरो हो गया तो टेम्परेचर क्या होगा, आइडियल गैस का चेंज नहीं हो रहा होगा, फ्री एक्सपेंशन के समय टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो हम लोग फ्री एक्सपेंशन को कौन सा प्रोसेस बोल सकते हैं, बताओ। अगर ये सारा चीज तुमको दिया गया है
एक्सटर्नल प्रेशर जो है पी एक्सटर्नल का वैल्यू जो है ये जीरो रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, वर्क डन जीरो है, क्यू का वैल्यू जीरो है, तो फ्री एक्सपेंशन को कौन सा प्रोसेस बोला जा सकता है? इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, आइसोथर्मल। आइडियाबेटिक भी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि क्यू का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो क्यू का वैल्यू जीरो है तो आइडियाबेटिक भी प्रोसेस होगा। और रिवर्सिबल होगा क्या, यह होगा या इरिवर्सिबल होगा, बताओ तो, ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल, बता सकते हो? हेलो सर, इरिवर्सिबल। हाँ इरिवर्सिबल, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है यहाँ पे देख रहे हो, कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, जीरो ही है लेकिन वो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो ये जो फ्री एक्सपेंशन होता है ना किसी भी आइडियल गैस का, अगर फ्री एक्सपेंशन हम लोग करेंगे तो वो जो प्रोसेस होता है वो उसको हम लोग किसका एग्जांपल बोल सकते हैं, ये आइसोथर्मल आइडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? तो ये हो गया। ठीक है, नौ बात समझ में आ गया, नोट कर लियो ना इसको। चलो अब इसके बाद आइडियाबेटिक वर्क डन हम लोग देखेंगे, वर्क डन इन आइडियाबेटिक प्रोसेस वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक टर्म देखते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये सारा थर्मोडायनेमिक टर्म्स है, वो सब बहुत ज्यादा आएगा, तो इंटरनल एनर्जी जिसको ई या हम लोग यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई या कैपिटल यू से डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी, तो उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस by virtue of its chemical nature and state is called its internal energy। तो किसी भी substance में उसके chemical nature की वजह से या फिर state की वजह से, physical state की वजह से उसमें जितना भी एनर्जी स्टोर्ड होता है टोटल, किसी भी फॉर्म का एनर्जी हो, तो सारे एनर्जी का जब सम कर दोगे तो डेट विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डेट इज हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द सम ऑफ जितने भी टाइप्स के एनर्जी पॉसिबल हो सकते हैं उसमें, उसके केमिकल और फिजिकल स्टेट के ऊपर बेसिस पे, द सम ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम लोग ET से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी EV से डिनोट कर रहे हैं, रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो वो ऑब्वियसली रोटेट कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। ट्रांसलेशनल मतलब क्या हुआ कि मोशन में होंगे, वो स्ट्रेट लाइन मोशन अगर कर रहा होगा तो उसकी वजह से एनर्जी आएगा। वाइब्रेशनल मतलब वाइब्रेट कर रहा होगा, रोटेशनल मतलब वो रोटेट कर रहा होगा एक्सिस के अराउंड, तो उसकी वजह से एनर्जी आएगा। फिर कोलंबिक एनर्जी, कोलंबिक एनर्जी मतलब चार्ज की वजह से आएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसमें, तो जो चार्ज की वजह से जो एनर्जी आए। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाउंड है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसकी वजह से उस एटम का क्या आएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, जिसको कि ई एन से डिनोट करते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो जितने भी टोटल टाइप्स एनर्जी के टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं, सभी एनर्जी का सम अगर कर दोगे, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन विद
नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ अगर इंटरेक्शन होगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। तो ये सारे एनर्जी का सम अगर कर दोगे तो वही क्या है, ER, कोलंबिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सभी एनर्जी का अगर हम लोग सम कर दिए, जितना भी पॉसिबल एनर्जी हो सकता है, तो उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं किसी भी सिस्टम का। और ये इंटरनल एनर्जी जो है ये इंट्रिंसिक एनर्जी भी बोला जाता है इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक एनर्जी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और इंटरनल एनर्जी जो है ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन डिफाइन किए थे लास्ट क्लास में, बताए थे ना, बताओ तो स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं? हेलो, वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, जिसका वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, कौन से पाथ से पहुंचा गया उस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। और एक और चीज कि इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन कभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इट्स एग्जैक्ट वैल्यू कैनॉट बी डिटरमाइंड, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कैनॉट बी, कि एग्जैक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल एनर्जी कितना है वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैनॉट बी डिटरमाइंड, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग देखोगे तो एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी नहीं दिया रहेगा, उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हैं या डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन किया जा सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब हम लोग डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू देखोगे यही लिखा रहता है, डेल्टा में मतलब ये चेंज है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कहीं भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली इंटरनल एक्स्ट्रा, तो हम लोग को एक टर्म बताए थे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटरनल एनर्जी जो है ये कौन से प्रॉपर्टी में आता है, एक्सटेंसिव में या इंटेंसिव में, बताओ, बोलो किसमें आएगा, ये एक्सटेंसिव में या इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा? Extensive. हाँ, extensive, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है ये, तो ऑब्वियसली ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा ये, केमिकल नेचर पे डिपेंड करेगा, कि वो सब्सटेंस का केमिकल नेचर कैसा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारे टर्म पे भी ये डिपेंड करता है। और किसी भी गिवन सिस्टम के लिए, ठीक है, फॉर ए गिवन सिस्टम, इसे ध्यान रखना, किसी भी गिवन सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी ई और यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कहीं भी अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, में अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा सब्सटेंस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग किसको बोलते हैं, टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड इन केल्विन स्केल, ये बताया था ना, टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड इन केल्विन स्केल, तो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। तो किसी भी सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा होगा,
ठीक है, तो मतलब अगर तुमको मान लो दिया रहेगा क्या, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा ई या डेल्टा यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड कि फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल अगर वो साइक्लिक प्रोसेस होगा तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है ये जीरो होता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में देखोगे क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है या नहीं, बताओ। यस सर, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा, बोलो। यस सर, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही अगर सेम हो गया तो उसका ऑब्वियसली जो इनिशियल टेम्परेचर होगा और जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो दोनों तो इक्वल हो गया ना, क्योंकि वो वापस पूरा साइकिल, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जहां से स्टार्ट हुआ था वो वहीं पे आ गया, तो उसका कंडीशंस में कोई चेंज हुआ होगा क्या ओवरऑल, बताओ। ओवरऑल उसके कंडीशंस में चेंज नहीं हुआ होगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। तो ओवरऑल पूरे प्रोसेस का अगर एज ए होल अगर बात किया जाए, साइक्लिक प्रोसेस का एज ए होल अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो एज ए होल सारा का जब सम करोगे तो डेट विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है ये जीरो होता है, तो ये चीज ध्यान रखना इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्चुअली एक स्टेट फंक्शन है कि जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, प्लस इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब मास पे ये डिपेंड कर रहा है। तो ये है इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। हाँ, और इंटरनल एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल पर डिपेंड करता है। सर सारा एनर्जी पढ़ाएंगे क्या, इसके अंदर जितना एनर्जी आ रहा है सारा पढ़ेंगे? पढ़ना मतलब क्या, वो इंटरनल एनर्जी के ही अंदर आ गया वो, ठीक है, वो जितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं वो सारा इंटरनल एनर्जी के अंदर हो गया, वो बस इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए वो सारा एनर्जी बताया, वो डिटेल में हम लोग को नहीं करना है, वो सारा वहाँ प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन में रहता है। नहीं नहीं ये क्वेश्चन में नहीं रहता है, बस वो डिस्क्रिप्शन है, इंटरनल एनर्जी का मतलब बताने के लिए वो सारा चीज जानना जरूरी था। ठीक है, लिख लिया उसको। यस सर, लिख लिया। चलो तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी पे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है, आज हम लोग वर्क डन सीखे हैं कहाँ तक, आइसोथर्मल प्रोसेस का सीखे हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों देखे थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क डन इन आइडियाबेटिक प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लो एक बार, कोई डाउट है इसमें किसी को यहाँ तक, बोलो। हेलो, सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा ना, स्पेसिफिक आ गया तो मास फिक्स हो गया ना उसका, तो वो अब इंटेंसिव हो जाएगा ना, अब वो मास पे थोड़ी डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ हीट कैपेसिटी दिया हुआ है तो वो एक्सटेंसिव होगा क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर, लेकिन स्पेसिफिक यूज कर लिए मतलब उसमें मास 1 ग्राम फिक्स हो गया,
तो वो अब तो इंटेंसिव हो जाएगा. ठीक है सर. प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंटेंसिव हो कि एक्सटेंसिव? क्या होगा बताओ. प्रेशर इंटेंसिव. इंटेंसिव प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे चीज तो बताए थे. ठीक है, इतना समझ में आ गया ना इतना बात. बोलो. यस सर. यस सर. चलो चलो फिर ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं. आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे. ठीक है, लिख लियो ना इतना. यस सर. यस सर. हेलो. यस सर, लिख लिया. यस सर. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं. थैंक यू सर.